बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाम माहिरब की बारह तारीख जुमे को ये वजीफा कर लो कभी इधर से पैसे आएंगे कभी उधर से पैसे आएंगे सारा दिन आप पैसे पकड़ते रहेंगे और रिश्तेदार हैरान रह जाएंगे और आपसे पूछेंगे कि इतना पैसा कहाँ से आया तमाम दोस्त वीडियो को मुकम्मल देखिएगा मोहतरम नाजरीन बरकतों वाला महीना लगा हुआ है सिर्फ सत्तर बार आपने अल्लाह का ये एक नाम पढ़ना है जो अभी मैं आपको तफसील से बताऊँगा इन अल्लाह पाक आपको ऐसी जगह से दौलत अता फरमाएंगे ऐसे अपनी गैबी खजानों से नवाजेंगे अल्लाह पाक के हुक्म से इनशाला आपकी ज़िंदगी ऐसे चेंज हो जाएगी क्योंकि देने वाली ज़ात अल्लाह पाक की है बस इंसान का काम है मेहनत करना कोशिश करना आपने बस कोशिश ये करनी है कि इस वजीफे को अच्छी तरह करना है जैसे मैं आपको बताऊंगा मुख्तरम नाजरीन आप वीडियो पूरी अच्छी तरह देख लें अल्लाह पाक के हुक्म से आपको भी फायदा होगा अगर आप भी मुश्किलात में हैं आपके घर में तंग दस्ती है मोहताजी है मुश्किलात हैं जिंदगी आप गुजार रहे हो लेकिन आपके पास दौलत की कमी है इनशाला आप इस नीयत से वजीफा कीजिए कि जब अल्लाह पाक मुझे नवाजेंगे दौलत देंगे तो मैं अल्लाह की राह में खर्च करूंगा तो आप देखना अल्लाह आपके ऊपर कैसे रहमत करता है अपने गैबी खजानों से दौलत से नवाजेगा मोहतरम नाजरीन आप देखते ही रह जाओगे कैसे जरिया बन रही है कहाँ कहां से दौलत आ रही है ये जो महीना लगा हुआ है बहुत ही बरकतों वाला महीना है आपने इस वजीफे को अच्छी तरह करना है इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपके ऊपर जरूर रहम करेंगे अब इस वजीफे का तरीका कार जान लीजिए आपने किन चीजों का ख्याल रखना है कौन से काम करने हैं कौन से काम नहीं करने आप इस वजीफे को वैसे तो किसी भी वक्त कर सकते हो क्योंकि इसमें अल्लाह पाक का कलाम है दरुद पाक है आऊज भी होती है यानी कि इसमें अरबी कलमात होती हैं जब भी आपको वक्त मिलता है इस वजीफे को कर सकते हो इसमें कोई पाबंदी नहीं है फजर जोहर असर मगरब इशा किसी भी नमाज के बाद कर सकते हो या अगर आप नमाज के बाद नहीं करना चाह रहे जब भी आपको वक्त मिलता है अलमुख्तर ये है आप इस वजीफे को कर सकते हो कोई पाबंदी नहीं है चूंकि बरकत वाला महीना लगा हुआ है तो इस महीने में फजीलत ज्यादा होती है उसके बाद एहतियात ये है आपने इस वजीफे को पूरी नीयत के साथ अच्छी तरह करना है जल्दी जल्दी नहीं पढ़ना आपने पूरे अल्फाज अदा करने हैं आराम के साथ सब्र के साथ इस वजीफे को करना है मर्द औरत बच्चा कोई भी इस वजीफे को कर सकता है इसमें कोई पाबंदी नहीं है कोई भी मेरा बहन भाई कर सकता है औरतें इसको ख़ास अयाम में भी कर सकती हैं इसमें भी कोई पाबंदी नहीं है उसके बाद आपने पढ़ना है अरूज़िल्ल ही बिसमिल्ला हिरमा नहीम उसके बाद आपने दरुद पाक पढ़ना है एक बार मेरे साथ भी पढ़िए अल्लास मुहमदू वाल मोहम्मदन कमा सल तलाब्राहिम इब्राहिम इनका हमदम मजीद अल्लाबारक अला मुहमदू वाल मोहम्मद कम बारकताब्राहिम अला इब्राहिम इनक हमदुम मजीद ये दरुद पाक आपने 21 बार पढ़ना है इस वजीफे का हिस्सा है अगर किसी मेरे बहन भाई को ये दरुद पाक नहीं आता तो वो इतना कह सकता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बाद आपने अल्लाह पाक का एक इस्मे मुबारक पढ़ना है उसका तरीका अच्छी तरह जान लीजिए कैसे पढ़ना है ये जो इस्म है ये है या बासितु आपने इसको सिर्फ सत्तर बार पढ़ना है हर बार बिस्मिल्ला के साथ पढ़ना है या ये एक ही शुमार होगा। इसी तरह आपने सत्तर बार पढ़ना है इंशाल्लाह आप देखोगे कि कैसे आपके पास दौलत आ रही है इंशाल्लाह अल्लाह पाक के हुक्म से ऐसे ऐसे जरिए बनेंगे आप खुद हैरान रह जाएंगे कि कहां कहां से दौलत आ रही है अल्लाह पाक के खजानों में कोई कमी नहीं है अल्लाह पाक जिसको अता कर दे अल्लाह पाक से कोई पूछने वाला नहीं है तो इन इस वजीफे को अच्छी तरह कीजिए अल्लाह पाक के ऊपर पुख्ता यकीन हो नीयत खलूस हो तो इन अल्लाह पाक जरूर मदद करते हैं उसके बाद आपने 21 बार सूरत कोसर को भी पढ़ना है छोटी सी कुरान पाक की सूरत है सिर्फ 21 बार पढ़ना है ये वजीफे का हिस्सा है लाजमी पढ़ना है उसके बाद आपने दरुद पाक पढ़ना है देखिए जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं वक्त तो गुजर ही जाएगा लेकिन जो वक्त नेकी में गुजर जाए वो हमारे लिए दुनिया में भी फ़ायदा है आखिरत में भी फ़ायदा है आखिर में फिर दरुद पाक पढ़ना है और अगर मेरे किसी बहन भाई को ये दरुद पाक नहीं आता तो वो कोई सा भी दरूद पढ़ सकता है या इतना भी कह सकता है अलैहि वसल्लम उसके बाद आपने अल्लाह पाक से खूसी दुआ भी करनी है इस वजीफे की बरकत से ये अल्लाह पाक आपके ऊपर रहम करेंगे आपने दुआ भी कर लेनी है कि ए अल्लाह मेरी मुश्किल दूर कर दे मुझे बेपना दौलत से नवाज दे ए अल्लाह मैं तेरा ही तो बंदा हूँ मुझ पर रहम कर दे इसी तरह आपने अच्छी अच्छी दुआएं मांग लेनी है बेशक दुआओं से जिंदगियां बदल जाती हैं तमाम भाइयों और बहनों से गुजारिश है कि नमाज का एहतमाम लाजमी करें क्योंकि कोई भी वजीफा नमाज के बगैर अधूरा रहेगा नमाज का पढ़ना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है नमाज हमें बेहयाई और बुराई से रोकती है नमाज का मुंह काला करती है अल्लाह ताला हम सबको पांच वक्त बाजमात नमाज अदा करने की तोफीक अता फरमाए दुआ है कि अल्लाह ताला मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी बारगा इलाही में कबूल और मंजूर फरमाए तमाम दोस्त कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिखें